हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फीड ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, जैसा कि मैं फिजिकल एजुकेशन के बीपीएससी मेन एग्ज़ाम 2023 टीजीटी का प्रिपरेशन करने के लिए चैप्टर वाइज सभी टॉपिक को डिटेल में एमसीक्यू के माध्यम से एक्सप्लेन करते हुए आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूं, जिसमें से यह दूसरा वीडियो है। जैसा कि यह स्टेट का रिजल्ट जल्द ही 2-4 दिन में आ जा रहा है, उसके बाद आपको कन्फर्म हो जाएगा कि आप पास हैं कि फेल है। आप आंसर की के माध्यम से खुद अपने आप को ऑब्जर्व कर चुके होंगे कि हम पास हैं कि फेल हैं। उसके आधार पर आप तैयारी अभी से जारी कर दीजिए, क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं रहेगा और सीट भी 556 सीट है, जैसा कि आप सबको मैं बता दी हूँ। एंड ये जो सेशन है एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के कोशिका से रिलेटेड पार्ट 2 है। इसी प्रकार एक एक टॉपिक, सूक्ष्म से सूक्ष्म टॉपिक, कोई भी टॉपिक आपका नहीं छूटेगा परीक्षा तक। बस मेरे साथ बने रहिए। एंड केवल ये बीपीएससी टीजीटी के लिए ही नहीं है, फिजिकल एजुकेशन के हर एक स्टेट के टीजीटी पीजीटी कोई भी केवीएस एनवीएस हो, सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बस आप मेरे साथ बने रहिए। यदि आप थ्योरी सेशन पढ़ना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और एक एक थ्योरी सेशन को टॉपिक वाइज डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि समय नष्ट न करते हुए चलते हैं इस टॉपिक पर। एक कोशिका टॉपिक है जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स एंड जीन्स एंड अनुवांशिकी होता है, जिससे क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है या पार्ट 2 है कोशिका का। क्वेश्चन है दोस्तों, शरीर पर बढ़ता हुआ रक्त का आघात और कोशिका के मेटाबॉलिज्म का बढ़ा हुआ दर दर्शाता है। यानी कि हिंदी इंग्लिश दोनों में आपके लिए आ गया है। आप कब से बोल रहे थे मेरे को कि हिंदी इंग्लिश दोनों में लाइए, तो मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूं। तो क्या है, द इंक्रीज्ड ब्लड फ्लो टू द बॉडी एंड इंक्रीज्ड रेट ऑफ सेल मेटाबोलिज्म इंडिकेट्स, यानी शरीर पर बढ़ता हुआ रक्त का आघात और कोशिका के मेटाबॉलिज्म का बढ़ा हुआ दर दर्शाता है। तो यह क्या दर्शाता है? ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, उष्मा यानी कि हीट। उष्मा यानी कि हीट। जैसे कि दोस्तों यहां पे शब्द प्रयोग हुआ है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का हिंदी होता है चय अपचय क्रिया। जैसे कि यह मेटाबॉलिज्म होता क्या है, इसके बारे में मैंने डिटेल में थ्योरी सेशन बनाया हुआ है। फिर भी मैं एक एक क्वेश्चन को ऐसे बता रही हूँ जैसे आप थ्योरी भी पढ़ेंगे और एमसीक्यू भी पढ़ेंगे साथ साथ। तो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस चयापचय क्रिया या मानव शरीर में होने वाली जैव रासायनिक प्रक्रिया है, जिसमें जो हम पोषक तत्व या खाद्य पदार्थ या भोजन लेते हैं, वे अपने ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होकर हमारे शरीर में जो एकत्रित होते हैं और फिर किसी क्रिया या अभ्यास के दौरान उसी एकत्रित ऊर्जा का हम प्रयोग करते हैं, यही चयापचय क्रिया कहलाता है। लेकिन इसको दो भागों में बांटा गया है, एक एनाबॉलिज्म एक कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म वह होता है कि जब हम भोज्य पदार्थों को शरीर द्वारा ऊर्जा के रूप में लेते हैं, एकत्रित करते हैं, तो वो हमारे बॉडी में जाकर के कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में बदल करके लीवर में और मांसपेशियों में जमा हो जाता है, और फैट और यानी फैट यानी जो वसा होता है वह फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बदल करके एडिपोज टिश्यू के नीचे जमा होता है, और जो प्रोटीन होता है वो हमारे शरीर में जाकर अमीनो एसिड के रूप में बदलकर शरीर में एकत्रित होता है। ये होता है आपका एनाबॉलिज्म प्रक्रिया। अब ये सभी अपने अपने जगह पे एकत्रित तो हैं, बट जब हम कोई कार्य करते हैं कैटाबॉलिज्म क्या होता है, जब हम यही स्टोर ऊर्जा जो होता है कार्बोहाइड्रेट जो है ग्लाइकोजन के रूप में, फैट ग्लिसरीन फैटी एसिड के रूप में, प्रोटीन अमीनो एसिड के रूप में, जो स्टोर ऊर्जा है जब हम कोई कार्य करते हैं उपरोक्त ऊर्जा का किसी क्रिया या अभ्यास के दौरान ऊर्जा के रूप में प्रयोग करना ही कैटाबॉलिज्म कहलाता है। इस प्रकार आप समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कोशिका का श्वसन नियंत्रित करता है, यानी कि कंट्रोल द रिस्पिरेशन ऑफ द सेल। कोशिका का श्वसन कौन नियंत्रित करता है? तो कोशिका का श्वसन नियंत्रित करता है माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। कौन नियंत्रित करता है? माइटोकॉन्ड्रिया।
जैसा कि दोस्तों मैं बता चुकी हूँ पिछले वीडियो में अच्छे से कि माइटोकांड्रिया को सूत्रकणिका भी कहते हैं। इसके अंतर्गत सूक्ष्म आण्विक थैलियाँ होती हैं जिसे बहुत सारे एंजाइम्स पाई जाती हैं जो कोशिकीय श्वसन के फलस्वरूप यानी कि वायवीय श्वसन के फलस्वरूप भोजन को ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करता है। यानी कि इसीलिए इसको कोशिका का पावर हाउस या ऊर्जा गृह कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं क्योंकि यही भोजन को ऊर्जा में बनाता है। यानी एटीपी ऊर्जा के रूप में क्या देता है, एटीपी यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट देता है, जो एटीपी जो है उस स्थान पर स्थानांतरित करता है जहां उसकी आवश्यकता होती है। जैसे कि दोस्तों जो हमारा रक्त आरबीसी होता है वह ऑक्सीजन को ले, आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेकर कोशिका तक जाता है, जहां पे कोशिका में पहुंचने के बाद सबसे पहले इसका मुलाकात होता है कोशिका द्रव्य में, जहां पे अनएरोबिक रिस्पायरेशन यानी कि ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया के द्वारा 2 ATP का निर्माण होता है, 2 पाइरुविक अम्ल। फिर वही पाइरुविक अम्ल जाता है माइटोकांड्रिया में जहां क्रेव्स चक्र चलता है, जहां वायवीय श्वसन होता है। माइटोकांड्रिया में क्या होता है, वायवीय श्वसन होता है जिसके फलस्वरूप ऑक्सीजन के माध्यम से ग्लूकोज जो है वह ऊर्जा में कन्वर्ट होता है। इस प्रकार जो माइटोकांड्रिया है वह क्या करता है, ऊर्जा बनाता है जो एटीपी के रूप में बनाता है। तो इसीलिए कोशिका का श्वसन नियंत्रित कौन करता है, तो माइटोकांड्रिया करता है। यानी कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, माइटोकांड्रिया को। कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है, माइटोकांड्रिया के। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है दोस्तों कि कोशिका के अंदर गाढ़ा तरल पदार्थ होता है जिसे कहते हैं। तो दोस्तों कोशिका के अंदर गाढ़ा तरल पदार्थ जो होता है उसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म, यानी कि देयर इज ए थिक फ्लूइड इनसाइड द सेल व्हिच इज कॉल्ड। तो कौन सा होता है कोशिका के अंदर गाढ़ा तरल पदार्थ, वो होता है साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य। ऑप्शन नंबर सी यहां पे राइट है, साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य। कौन होता है, साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य। यानी कि दोस्तों आप यदि समझ सकते हैं तो ये होता है हमारा कोशिका, और फिर आपका ये हो गया आपका, हाँ बीच वाला भाग जो है वो न्यूक्लियस है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये पूरा भरा हुआ है आपका कोशिका द्रव्य, इसमें भी भरा हुआ है। ठीक है, ये पूरा जीव द्रव्य भरा हुआ है। तो जो ए है आपका, ए वाला भाग है, ये आपका कोशिका द्रव्य है। ठीक है, जो केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच यानी कि जीव द्रव्य का वह भाग जो कोशिका भित्ति और केंद्रक के बीच होता है उसे कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म कहते हैं, याद रखिएगा। और जो इनमें अनेक कार्बनिक यानी जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा एवं अकार्बनिक पदार्थ, खनिज लवण होते हैं, जो कोशिका द्रव्य गाढ़ा पारदर्शी और चिपचिपा पदार्थ होता है। तो पूरी कोशिका में क्या भरा रहता है, तो वही कोशिका जीव द्रव्य को ही प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। पूरी कोशिका में भरा है तो उसे हम कहेंगे जीव द्रव्य, और अलग अलग पार देंगे कोशिका केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच तो वही साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य कहलाता है, और केंद्रक के बीच खाली रहेगा तो न्यूक्लियोप्लाज्म यानी केंद्रक द्रव्य कहलाएगा, और दोनों को मिला देंगे पूरी कोशिका में तो वो जीव द्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म कहलाएगा। आई होप कि आप समझ गए होंगे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका के, यहां पे बहुत चौड़ा आ रहा है, एक सेकेंड इसको मैं चेंज कर लेती हूं। क्या है, कोशिका के किस अंग को सेलुलर गार्बेज डिस्पोजर कहा जाता है। मैं कल बताई थी कि इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है, यानी कि विच पार्ट ऑफ द सेल इज कॉल्ड सेलुलर गार्बेज डिस्पोजल, यानी कि शरीर के अंदर सफाई करने का कार्य कौन करता है। दोस्तों अगर कल वाला वीडियो देखे होंगे तो ये क्वेश्चन सुनते ही आप सही आंसर टिक कर दिए होंगे। तो कोशिका के किस अंग को सेलुलर गार्बेज डिस्पोजल कहा जाता है, यानी कोशिका के अंदर सफाई करने का कार्य कौन करता है। दोस्तों
तो कोशिका के अंदर सफाई करने का कार्य करता है लाइसोसोम। कौन करता है? लाइसोसोम। जैसा कि इसको सेलुलर गार्बेज और डिस्पोजल कहा जाता है, कोशिका का पाचन बैग यानी डाइजेस्टिव बैग कहा जाता है, कोशिका की आत्महत्या की थैली यानी कि सुसाइडल बैग भी कहा जाता है, और इसको एटम बम भी कहा जाता है, याद रखिएगा। और इसके बारे में डिटेल में पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, ठीक है। एंड आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, इसलिए इसका जो विनाश होता है जाकर के स्प्लीन यानी कि प्लीहा में होता है, इसीलिए उसको ब्लड बैंक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि कोशिका शरीर के नाड़ी संवेदक का संचार किसकी सहायता से होता है? तो न्यूरॉन, आप न्यूरॉन वाले वीडियो को मैंने देखे होंगे तो आसानी से इसको आप समझ सकती हैं। कोशिका शरीर से नाड़ी संवेदन का संचार किसकी सहायता से होता है? तो यह होता है आपका संचार, यानी कि जैसे कि आपको मैं बता दे रही हूं, यहां पे क्वेश्चन है, इंग्लिश में भी पढ़ देती हूँ। विद द हेल्प ऑफ व्हाट इज द ट्रांसमिशन ऑफ पल्स सेंसेशन फ्रॉम द सेल बॉडी, यानी कि कोशिका शरीर सेल बॉडी, यहाँ पे सेल बॉडी का मतलब जो होता है, यहाँ पे आप न्यूरॉन की संरचना देखे होंगे, न्यूरॉन होता है आपका इस प्रकार का। न्यूरॉन कैसे होता है? न्यूरॉन आपका होता है इस प्रकार का, बताती हूं मैं, यहाँ पे देखिए ए है आपका न्यूरॉन, ए न्यूरॉन होता है, और यहाँ पे आपका डेंड्राइट्स निकले रहते हैं ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके डेंड्राइट्स निकले रहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपका एक्सॉन निकला रहता है, एक्सॉन जाकर के यहाँ पे कई सारे बन जाता है और दूसरे न्यूरॉन से भी जुड़ जाता है। तो जो एक्सॉन होते हैं, ठीक है, जो ये डेंड्राइट्स होते हैं, ये तो क्या करते हैं, संदेश को प्राप्त करते हैं, क्या करते हैं, ये संदेश को प्राप्त करते हैं, बट क्या कहा जाता है, ये संदेश सेल बॉडी की तरफ जाता है, लेकिन ये बोल कर रहा है कि सेल बॉडी से नाड़ी संवेदन जो सूचनाएं हैं वो उसका संचार किसकी सहायता से होता है, तो सेल बॉडी की तरफ बोलेगा तो डेंड्राइट्स होता होगा, और सेल बॉडी से बोलेगा यहाँ पे तो कहाँ होगा, ये एक्सॉन है, तो डेंड्राइट्स जो है वो सूचनाओं को प्राप्त करके सेल बॉडी की ओर भेजता है, और जो एक्सॉन होता है वो सूचनाओं को सेल बॉडी से दूसरे न्यूरॉन या शारीरिक अंगों, शरीर के अंगों तक भेजता है। तो याद रखिएगा, जो डेंड्राइट्स है वो सूचना को प्राप्त करके सेल बॉडी की ओर भेजता है, और जो एक्सॉन है वो सूचना को हमारे दूसरे न्यूरॉन, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन या हमारे शरीर के अंगों तक भेजता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर अब आप टिक कर दिए होंगे, कोशिका शरीर से नाड़ी संवेदक का संचार किसकी सहायता से होता है, तो वो होता है आपका एक्सॉन के द्वारा, ठीक है। न्यूरॉन प्राप्त करता है तो एक्सॉन प्रेषक करता है, भेजने वाला, डेंड्राइट्स क्या है, प्राप्त करने वाला है, और एक्सॉन जो है सेंड करने वाला, भेजने वाला, ठीक है, जैसा कि आप समझ गए होंगे, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेंड्राइट की भूमिका अन्य न्यूरॉनों से आवेग ग्रहण और उनको ले जाना होता है, अभी जस्ट मैं बताई हूँ दोस्तों, जैसा कि ये आपका सेल बॉडी हो गया, ठीक है, बीच वाला पार्ट ये डेंड्राइट्स हो गया, ये क्या है, ये आपका डेंड्राइट्स है, ये आपका एक्सॉन है, तो ये डेंड्राइट्स क्या करता है, संदेश को प्राप्त करता है, प्राप्त करके कहाँ ले जाता है, सेल बॉडी की तरफ ले जाता है, कहाँ ले जाता है, सेल बॉडी की तरफ, यानी कि रोल ऑफ डेंड्राइट्स इन रिसीविंग एंड कैरिंग चार्जेज फ्रॉम अदर न्यूरॉन्स, ठीक है, यानी कि डेंड्राइट्स की भूमिका अन्य न्यूरॉनों से संदेश को प्राप्त करके उनको कहां ले जाना होता है दोस्तों, तो सेल बॉडी की ओर, कहां ले जाना होता है, सेल बॉडी की ओर, और सेल बॉडी से कहां ले जाएगा, सेल बॉडी से एक साथ दूसरे न्यूरॉन की तरफ ले जाएगा, याद रखिएगा। आई होप कि आप समझ गए, न्यूरॉन जो है वो तंत्रिका तंत्र की जो है संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका चारों तरफ से घिरी होती है, तो ये जो कोशिका है दोस्तों ये चारों तरफ से किसी घिरी होती है, ये चारों तरफ से घिरी होती है सेल मेम्ब्रेन, जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है, यानी कि कोशिका झिल्ली से घिरी होती है, ठीक है। द सेल इज
सराउंडेड ऑन ऑल साइड्स बाय, तो कोशिका चारों तरफ से किससे घिरी होती है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, किससे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसे कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन बोला जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया संबंधित है, तो दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया में वायवीय श्वसन संपन्न होता है, माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा बनाता है, तो एक तो श्वसन कोशिकीय श्वसन से संबंधित है वायवीय श्वसन से, और दूसरा इसका संबंध है ऊर्जा उत्पादन से, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया इज रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है दोस्तों, तो यह रिलेटेड है फॉर्म एनर्जी प्रोडक्शन, फॉर्म एनर्जी प्रोडक्शन यानी कि ऊर्जा उत्पादन में, किससे संबंधित है, ऊर्जा उत्पादन में, इसीलिए इसको कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है, ऊर्जा गृह कहा जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का अध्ययन कहा जाता है, तो कोशिका का अध्ययन किस विज्ञान में कहा किया जाता है, साइटोलॉजी, ठीक है, साइटोलॉजी यानी कि द स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड, तो किसमें, साइटोलॉजी में, ठीक है। बायोलॉजी में जीव विज्ञान का अध्ययन किया जाता है, हिस्टोलॉजी में उत्तक का अध्ययन किया जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर के कार्य का अध्ययन है, यानी स्टडी ऑफ बॉडी फंक्शंस, जहां पे बॉडी फंक्शंस की बात आ जाए दोस्तों, मैं बार बार बताई हूँ, फंक्शंस यानी कार्य की बात आए तो वह क्रिया विज्ञान रहेगा, फिजियोलॉजी, जहां पे स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर, आकार आकृति की बात आ जाए वहां रचना विज्ञान होगा, यहाँ बॉडी फंक्शंस का बात आया है, यहाँ पे शरीर क्रिया विज्ञान यानी फिजियोलॉजी आपका राइट होगा, कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, शरीर क्रिया विज्ञान राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिकाओं की समूह को कहते हैं, तो दोस्तों आप पिछले वीडियो में समझ गए हैं कि समान कार्य और समान कार्य करने वाले कोशिकाओं को ऊतक कहते हैं, तो कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं दोस्तों, तो कोशिकाओं के समूह को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, ऊतक, ठीक है, यानी व्हाट इज ए ग्रुप ऑफ सेल कॉल्ड, क्या कहा जाता है, ऊतक यानी टिश्यू, ठीक है, ऊतक यानी टिश्यू, कोशिकाओं के समूह को कहा जाता है टिश्यू। नेक्स्ट है दोस्तों, ऊतक के अध्ययन को जाना जाता है, ऊतक यानी कि द स्टडी ऑफ टिश्यू नोन एज, यानी कि ऊतक के अध्ययन को हिस्टोलॉजी बोला जाता है, क्या बोला जाता है, हिस्टोलॉजी, ऑप्शन नंबर ए यहां पे राइट है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थि मज्जा किस प्रकार का ऊतक है, तो दोस्तों अस्थि मज्जा, व्हाट टाइप ऑफ टिश्यू इज बोन मैरो, तो किस टाइप का ऊतक है, तो यह संयोजी ऊतक है, किस प्रकार का है, संयोजी ऊतक, यानी कि इसको इंग्लिश में कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, तो संयोजी ऊतक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका ब्लड भी संयोजी ऊतक है, ठीक है, एंड लिम्फ भी संयोजी ऊतक है, एंड आपका कार्टिलेज भी संयोजी ऊतक है, एंड आपका जो टेंडन लिगामेंट भी संयोजी ऊतक है, याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका के किस भाग को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, तो दोस्तों कोशिका के किस भाग को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, विच पार्ट ऑफ द सेल इज कॉल्ड प्रोटीन फैक्ट्री, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है, तो प्रोटीन की फैक्ट्री बोला जाता है राइबोसोम को, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट है, प्रोटीन की फैक्ट्री यानी कि प्रोटीन की बनाने वाला कौन है कोशिका में, कोशिका का अंग, वो है राइबोसोम, यानी कि राइबोसोम को आठवीं, देखिएगा एक क्वेश्चन ही भाई, एक क्वेश्चन से तीन चार क्वेश्चन आपको याद करना है, जो राइबोसोम्स होता है वह प्रत्येक कोशिका में हजारों राइबोसोम होते हैं, जो खुरदरे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाहरी सतह पर बिंदुओं के आकार की तरह होती हैं, पूरे कोशिका द्रव में ये फैले रहते हैं, और राइबोसोम को आणविक मशीन भी कहते हैं, जो प्रोटीन बनाती है, प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है दोस्तों राइबोसोम को, और आणविक मशीन भी कहा जाता है, आणविक मशीन भी बोला जाता है। और याद रखिएगा पैंक्रियाज यानी कि अग्नाशय की कोशिकाओं में पाचक रस का स्त्राव करती हैं, अग्नाशय की कोशिकाएं किसका करती है, एमाइलेज लाइपेज ट्रिप्सिन का स्त्राव करती है एंजाइम की, जो राइबोसोम यानी कि कहने का तात्पर्य है कि अग्नाशय यानी कि पैंक्रियाज में राइबोसोम अधिक मात्रा में होता है,
और इंसुलिन जिसका उत्पादन अग्नाशय के यानी पेंक्रियाज के आइलाइट्स ऑफ लैंगरहैंस के बीटा कोशिका से होता है, इंसुलिन इसमें भी राइबोसोम अधिक होता है, याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइटोकांड्रिया कोशिका श्वसन और किसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? अभी जस्ट बताई हूँ पिछले इसी वीडियो में, माइटोकांड्रिया प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन सेल रिस्पायरेशन एंड यानी कि सेल रिस्पायरेशन यानी कोशिका श्वसन में माइटोकांड्रिया मुख्य भूमिका निभाता है, और किसमें? कोशिका श्वसन यानी कि वायवीय श्वसन में, उसके द्वारा ऑक्सीजन के सहायता से ग्लूकोज को ऊर्जा में कन्वर्ट करता है एटीपी में, और क्या करता है? ठीक है, यानी कि कोशिका श्वसन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और ऊर्जा उत्पादन में यानी कि प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, ऑप्शन नंबर बी, प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी यानी कि ऊर्जा के उत्पादन में। दोस्तों आपके डिमांड पर इंग्लिश और हिंदी दोनों में लाई हूं, आपका फर्ज बनता है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और आगे बढ़ाइए, जिससे मुझे भी एक मोटिवेशन मिल सके। ठीक है, आपके लिए मैं इतना कर रही हूँ, आप मेरे लिए इतना कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोफिल किस रंग का होता है? तो दोस्तों आपको सबको पता होगा, व्हाट कलर इज क्लोरोफिल, क्लोरोफिल किस कलर का होता है? तो यह ग्रीन यानी कि हरे रंग का होता है। ठीक है, ग्रीन यानी कि हरे रंग का होता है, यानी कि जो प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस क्रिया होती है वह यानी कि जो पौधे होते हैं अपना भोजन पत्तियों में बनाते हैं, तो पौधे के पत्तियों में क्या होता है? पौधे के पत्तियों में होता है, पौधों की पत्तियों में क्या होता है? क्लोरोफिल। ये सूर्य है, मान लीजिए ये सूर्य है, सूर्य के प्रकाश जो पौधे के पत्तियों में क्लोरोफिल होता है वह सूर्य के प्रकाश को ग्रहण कर लेता है, और यह क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट और जल की सहायता से भोजन बनाता है, जिसके बदले में समस्त प्राणियों को वह ऑक्सीजन और ऊर्जा देता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का संपूर्ण योग है। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का संपूर्ण योग है, यह परिभाषा किसने दी है? यानी हेरिडिटी इज द टोटल कॉम्बिनेशन ऑफ ए पर्सन्स इननेट करेक्टरिस्टिक्स, हु हैज गिवन दिस डिफिनेशन। तो इस परिभाषा को किसने दिया है? दोस्तों आप सबको पता है, वी एन झा ने दिया है, वी एन झा ने दिया है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए का पूरा नाम है, यानी कि डीएनए, व्हाट इज द फुल नेम ऑफ डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो आप सबको पता है डीएनए का पूरा नाम क्या है, तो डीएनए का पूरा नाम क्या है दोस्तों? तो डीएनए का पूरा नाम है, डी से डीऑक्सीराइबो, एन से न्यूक्लिक, ए से एसिड। क्या नाम है? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट होगा, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ये कहाँ पाया जाता है? केंद्रक में, केंद्रक द्रव्य में। कोशिका का सबसे बड़ा भाग होता है केंद्रक या न्यूक्लियस, जो समस्त कोशिका के सभी भाग का नियंत्रण करती है, इसलिए केंद्रक के अंदर, द्रव्य के अंदर क्या पाया जाता है? बारीक धागों का एक जाल पाया जाता है, जाल जैसी संरचना, जिसे क्रोमेटिन जालिका कहते हैं, जो बना होता है डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन से। और जब नई कोशिका का विभाजन होने लगता है, बनने लगता है नई कोशिका, उस समय क्रोमेटिन जो है लंबे सूत्रों में कुंडलित हो जाती है, जिसे क्रोमोसोम्स कहते हैं, और इसे क्रोमोसोम्स को हिंदी में कहते हैं गुणसूत्र, जो लंबे धागे की तरह होते हैं। ये मनुष्य और यानी कि महिला पुरुष दोनों में क्रोमोसोम्स की संख्या 23 जोड़े यानी 46 गुणसूत्र होते हैं, जिसमें डीएनए यानी कि जिसे डीएनए कहा जाता है, डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड तथा प्रोटीन होता है। ठीक है, डीएनए से जीन का निर्माण होता है, जो अनुवांशिक की मूल इकाई होती है, जो व्यक्ति में अनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का काम करता है। कौन? डीएनए यानी कि डीएनए से जीन यानी कि जीन करता है।
एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृद्धि को प्रभावित करने वाला कारक है, व्हाट इज द फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ। तो वृद्धि को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है दोस्तों, यानी कि अनुवांशिकता, पर्यावरण, जलवायु, इनमें से सभी, यानी हेरिडिटी, एनवायरमेंट, क्लाइमेट, ऑल ऑफ दीज। यहाँ पे कौन राइट होगा दोस्तों, तो वृद्धि को अनुवांशिकता भी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में असर पड़ता है, पर्यावरण जैसा जलवायु है वैसा हमारा वृद्धि विकास होता है, एंड जलवायु भी है, गर्म वातावरण है कि ठंडा वातावरण है, ठीक है, इन्वायरमेंट यानी कि कैसा वातावरण है, आपका जो समाज है वो कैसा है, तो इनमें सभी फैक्टर जो है आपको वृद्धि को प्रभावित करेंगे। ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज यानी इनमें से सभी आपका राइट है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो अनुवांशिक विशेषताएं, रक्त वर्ग, त्वचा के रंग, बाल, मानसिक दक्षता आदि का निर्धारण करती है, वे कोशिकाओं के अंदर मौजूद कतिपय सूक्ष्म कणों द्वारा नियंत्रित होती है, जिन्हें क्या कहा जाता है। इस क्वेश्चन को देखते ही आप आंसर दे दिए होंगे दोस्तों। इसके जस्ट पहले में डीएनए से जीन का निर्माण होता है, जीन जो है अनुवांशिकता का वाहक होता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक विशेषताओं को ले जाता है। तो यहाँ पे क्या आंसर होगा, आप तो देख ही चुके होंगे, द जेनेटिक करेक्टरिस्टिक्स द डिटरमाइंड ब्लड ग्रुप, स्किन कलर, हेयर, मेंटल इफिशियंसी एटसेट्रा आर कंट्रोलेड बाई सर्टेन माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स परसेंट इनसाइड द सेल विच आर कॉल्ड। तो यहाँ पे कौन होगा, जीन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट होगा। तो दोस्तों आज के सेशन में वाले 20 क्वेश्चन था, मैं छोटे पार्ट में इसलिए आपको दे रही हूँ कि आपको वीडियो भारी न लगे और आप 20 क्वेश्चंस में अच्छे से अपने को तैयार कर सकें। एंड नेक्स्ट वीडियो भी होगा कोशिका से रिलेटेड, उसके बाद आपका मांसपेशी, हड्डी आदि से रिलेटेड क्वेश्चंस होगा, पूरा एनाटॉमी फिजियोलॉजी को अच्छे से आप रख लेंगे। एंड उसके बाद जितने भी टॉपिक हैं, चाहे किनेसियोलॉजी हो, बायोमैकेनिक्स हो, एंड आपका चिकित्सा शास्त्र हो, डोपिंग हो, मसाज हो, सभी टॉपिक को एक एक करके इसी तरह एक्सप्लेन करके कंप्लीट किया जाएगा। आप निश्चिंत रहिए, डेली बेसिस मेरे साथ बस प्रैक्टिस कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।